नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उनको भी आप लिंक कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आपके यूट्यूब चैनल पे आपको देख रहा है, अगर वो आपकी सोशल मीडिया पे जाके आपको सब्सक्राइब करना चाहता है या फॉलो करना चाहता है तो डायरेक्टली कर सकता है। जहाँ पे आपका जो यूट्यूब का बैनर दिखता है जाके, जब भी आप किसी का यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं और आप उसके होम पेज पे जैसे बैनर आपको दिखाई देता है, उसी के सामने आपको आपके सोशल मीडिया के लिंक भी दिखाई देते हैं, उसके आइकन बने हुए दिखाई देते हैं। तो आप उसको कैसे अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं, आज की वीडियो आपको पूरे प्रोसेस में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है और साथ में ही आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक से कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। अगर आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड आपको अपना यूट्यूब चैनल वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। एंड वहाँ पे आपको यहाँ पे जो तीन बिंदु दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे इनेबल कर लेना उसको क्लिक करके। एंड उसके बाद आपको जैसे अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करना है तो आपको यूट्यूब चैनल के यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है योर चैनल पे। जैसे ही योर चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ पे इसको क्लिक कर दें। रीडायरेक्ट करके आपको YouTube के ऊपर, स्टूडियो के ऊपर आपको ये ले जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो आपको ऑप्शन थर्ड नंबर पे ऑप्शन है उस पे आपको चले जाना है बेसिक इन्फो पे। एंड यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है ऐड लिंक का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। एंड यहाँ पे आपको टाइटल लिख लेना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला मेरा लिंक है वो इंस्टाग्राम का है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को टाइप कर लेना है एंड उसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम यहाँ पे लिख देते हो तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर देना है। तो आपको कहीं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो कॉपी करके पहले ही रख लेना है, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से भी उठा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम का मैंने पहले से कॉपी करके रख लिया ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना लगे। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अपना जो लिंक है वो यहाँ पे डाल देना है, पेस्ट कर दीजिए। एंड उसी तरह से आप नया यहाँ पे एक और लिंक आप जितना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्विटर का लगा देता हूँ, जैसे ट्विटर लिख देता हूँ एंड ट्विटर का लिंक भी उसी तरह मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे इसको आप जहाँ पे अपना टाइटल दे रखा है वहाँ पे पेस्ट कर दें। एंड जैसे ही आप इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से आप पब्लिश कर दें। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो जहाँ पे आपका बैनर ओपन होता है, जब आप किसी का यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो जैसे ही आप व्यू चैनल करोगे वहाँ पे आपको डायरेक्टली आपके बैनर के ऊपर आपकी सोशल मीडिया शो हो जाएंगी। जैसे ही आप व्यू चैनल पे पब्लिश करने के बाद जैसे व्यू चैनल पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल की जो यूट्यूब एप्लीकेशन होती है, अगर वहाँ अबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लिंक्स में यहाँ पे शो हो जाएगा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। वैसे ही अगर आप गूगल क्रोम से जाके करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह शो हो जाएगा, ये सेम इसी तरह का। एंड डेस्कटॉप साइट आप अनेबल करते हैं तो आपके बैनर के ऊपर आपकी जो सोशल मीडिया है वो यहाँ पे शो हो जाती है। तो व्यू चैनल करने के बाद अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे डेस्कटॉप साइट अनेबल करके आप देखते हैं तो यहाँ पे आप लेबल के ऊपर देखेंगे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का आपको लोगो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही आपने दोनों यहाँ पे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर लिंक कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं ताकि जब आपका जो यूट्यूब चैनल है ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद अगर आपको कोई बिजनेस रिगार्डिंग मेल आए तो आपको इस मेल पे आपको मेल आ जाए और आप उसमें से
जो आपकी कोई काम की अगर बिजनेस रिलेटेड मेल आती तो आप जो आपको कोई ब्रांड है वो यहाँ से आपको मेल कर पाए। मुझे लगता है इस वीडियो में बताया गया आपको सारा कुछ समझ आ गया है। अगर आप वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।